हेलो फ्रेंड्स, माईसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और कॉमन टॉपिक के बारे में। बहुत ही सरप्राइजिंग सा लगता है कि ये चॉकलेट बॉडी में कहाँ से बन जाती है, यानी कि चॉकलेट सिस्ट। कई बार आपके डॉक्टर ने आपको समझाया होगा कि आपकी चॉकलेट सिस्ट बन गई है। अब आपके दिमाग में आता है कि चॉकलेट सिस्ट कहाँ बन गई, अपनी बॉडी में कहाँ से चॉकलेट प्रोड्यूस हो रही है। बट ये चॉकलेट बहुत बुरी है, ये किसी के शरीर में ना बने तो बहुत अच्छा है। चॉकलेट सिस्ट नाम दिया गया है इस ओवेरियन सिस्ट को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है, देखो आप कैसा लग रहा है, बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसा लग रहा है। बट ये बहुत ही बेकार बीमारी है, किसी को भी ना हो। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस किसी को ना हो। बट फिर भी ऐसा कॉमन है कि 10 में से एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है और इसका डायग्नोसिस बनने में करीब करीब 10 साल लग जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन कि इतना कॉमन बीमारी है लेकिन इसका डायग्नोसिस बहुत लेट बनता है। और ये ओवेरियन सिस्ट जो चॉकलेट सिस्ट में बदल गई है, इसको एंडोमेट्रियोमा के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस का टाइप है। एंडोमेट्रियोसिस जब ओवरी के अंदर बनता है तो उसका जो सिस्ट बन जाता है, जो गांठ बन जाती है और उसके अंदर जो मटीरियल इकट्ठा होता है, वो शुरू में ब्लड होता है, ब्लड रेड ब्लड, बाद में भूरा हो जाता है, डिपॉजिट होता होता, और बाद में वो गाढ़ा टारी मटेरियल बनकर चॉकलेट टाइप का मटेरियल बन जाता है। और ये अपीयरेंस चॉकलेट जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम बताएंगे कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस जब यूट्रस के अंदर की जो लेयर है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, ये शरीर यूट्रस से बाहर निकल कर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब से बाहर आकर ओवरी के ऊपर, आंतों के ऊपर, आंतों और यूट्रस के बीच की जगह पर एक्टोवजाइनल एरिया में या पीओडी में जमा हो जाती है, या ब्लैडर में चली जाती है, या यूरिटर में चली जाती है, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस के नाम से बोलते हैं। क्योंकि जब ये लेयर की जो सेल्स हैं वहाँ जमा हो जाती है, तो जब महीना आता है तो ये सेल्स वहाँ भी ब्लीडिंग कॉज करती है, वहाँ भी महीना आने लगता है। लेकिन जो यूट्रस में महीना आ रहा है वो तो सर्विक्स और वजाइना से होता हुआ बॉडी के बाहर आ जाता है, लेकिन जो इन एरियाज़ में, यानी ओवरी पे, ट्यूब पे या आंतों पे जो ब्लड जमा हो गया है, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, यानी उसका क्लियरेंस नहीं होता है। जनरली बॉडी का मैकेनिज्म इन सब सेल्स को साफ कर देता है, बट 10 में से एक लेडी के अंदर ऐसा कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉज होता है या कुछ जेनेटिकल कॉज होता है जिसकी वजह से ये सेल्स का क्लियरेंस नहीं हो पाता है और ये सेल्स वहीं जमा हो जाती हैं, वहीं चिपक जाती हैं और वहीं पर ब्लीडिंग कॉज करती है, यानी महीने का खून वहीं बनने लग जाता है। और ये सारा मिलकर ये इतना स्टिकी मटेरियल बनाती है कि आंतें आपस में चिपक जाती है, आंतें बच्चेदानी के ऊपर आकर चिपक जाती है, दोनों ओवरीज आपस में चिपक जाती है, जिनको किसिंग ओवरीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपस में चिपक कर एक पूरा मास बना लेती हैं और ऐसा केमिकल बनाने लगती हैं कि जो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करने लगता है, और सारी जो नर्व्स होती हैं जो पेन सेंसेशंस ले जाती है उनको भी एंट्रैप कर लेती है, यानी कि उनको भी पूरा तरह से अपने अंदर समा लेती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द क्रिएट करते हैं। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस दर्द का एक दूसरा नाम है। तो जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की सेल्स ओवरी के ऊपर जमा होती है और यहाँ ब्लीडिंग होने लगती है, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक सिस्टिक एरिया, यानी कि थैली जैसी चीज़ बनने लग जाती है और ये सारा ब्लड उसके अंदर भरने लगता है। और ये ब्लड धीरे धीरे जमा होता होता लाल से भूरा, भूरे से गाढ़ा भूरा होता होता चॉकलेट जैसा बन जाता है और ये चॉकलेट सिस्ट बन जाता है और उसको एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। अब अगर आपके ये डायग्नोसिस बना है कि आपको ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा यानी चॉकलेट सिस्ट है, तो अब आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है। एक तो हमने आपको बताया कि आपके दर्द हो सकता है, यानी कि डिसमेनोरिया या डिसपेरियूनिया हो सकता है, या पेट में भारीपन हो सकता है, या पेट में गांठ जैसा फील हो सकता है। लेकिन इनके अलावा भी कई बार ये गांठ फट जाती है, पेट के अंदर पूरा मवाद फैल जाता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है और मवाद बन सकती है। इसके अलावा इसमें 1% चांसेस होता है कैंसर बनने का भी। तो यानी कि इन गांठों को कभी भी लाइटली ना लें, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, आपकी लाइफ के लिए बहुत रिस्की हो सकती हैं। तो जब भी आपको पता चलता है कि एंडोमेट्रियोमा बना है या चॉकलेट सिस्ट है, तो उसके लिए अपना इलाज ज़रूर करवाइए। इसके अलावा ये ओवरी के अंदर जो नॉर्मल फॉलिकल है, यानी कि जो अंडे बन रहे हैं, उनको भी कंप्रेस करती है, उनको दबाती है, तो अंडे बनने की कैपेसिटी कम हो सकती है। या इसके अलावा ये ट्यूब्स को, इनको आपस में चिपका लेती हैं, जिससे कि ट्यूब्स बंद हो सकती हैं, तो बच्चा लगने में प्रॉब्लम आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का एक बहुत कॉमन कारण है, और इनफर्टिलिटी के कारण जब बच्चा नहीं लगता तो आप IVF वगैरह करवाती हैं, तो IVF के रिज़ल्ट भी
इनके कारण 50% हो जाते हैं, यानी आधे हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी सेंटर के रिजल्ट 50% है और आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपके सक्सेस के चांसेस 25% ही रह जाएंगे। इसलिए जब भी आप बच्चा प्लान करती हैं तो अपने दूरबीन की जांच करवाएं, सोनोग्राफी करवाएं और एक्सक्लूड करवाएं कि आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि आपको IVF के रिजल्ट्स पे या नॉर्मल रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क पड़ रहा हो। जब हम बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट का आखिर इलाज क्या है, अगर बहुत छोटी गांठ है 2-3-4 सेंटीमीटर की तो दवाइयाँ ट्राई की जा सकती है। दवाइयों के अंदर ओसीपिल्स एक मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, कि ओसीपिल्स दी जा सकती है। लेकिन अगर आपको फर्टिलिटी चाहिए यानी कि आपको बच्चा चाहिए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप खाएंगी तो आपको बच्चा नहीं लगेगा। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की थेरेपी दी जाती है। अगेन अगर हार्मोन की थेरेपी आप लेती हैं तो फिर आपको बच्चा लगने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप 2-3 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर कंसेप्शन ट्राई करती है यानी बच्चे के लिए ट्राई करती हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा इसमें लेट्राजोल दिया जाता है, इसके अलावा ल्यूप्राइड इंजेक्शन होता है जिसमें कि एक हार्मोन का इंजेक्शन होता है, तो वो भी इसमें दिया जाता है कि जो महीने की महीने लगता है और 3 महीने से 6 महीने का उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। लेकिन हमारी एक सलाह रहेगी कि अगर आप बच्चे का प्लान कर रही हैं तो आप अपना फिर दूरबीन वाला जाँच करवा के इसको निकलवा दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकलवाते तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी और आपका बच्चा लगने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, अंडे बनने की कैपेसिटी भी कम होती है और अगर ट्यूब्स वगैरह आपस में चिपक जाती है तो नॉर्मल बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है। एज ए लास्ट रिसोर्ट ऑफ सर्जरी और ट्रीटमेंट कई बार यूट्रस रिमूवल की सलाह दी जाती है। वो तब दी जाती है कि जब आप 40+ हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है, आपकी ओवरी में भी गांठ है, यूट्रस के अंदर एडिनोमायोसिस बन गया है, आते माते उसके ऊपर चिपक गई है और बहुत ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है या फिर ग्रेड 3 भी है और आपको पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और अब ये लगता है कि फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तब यूट्रस रिमूवल की सलाह भी दी जाती है जिसको हिस्टेक्टमी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। वो भी करवाया जा सकता है अगर आपको और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है और कोई ऑपरेशन आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो फाइनल रिसॉर्ट के रूप में ओवरी को निकालना और यूट्रस को निकालना सलाह दी जाती है, जो कि आप अपने डॉक्टर से पूरी तरह से समझकर फिर डिसीजन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकती हैं। तो ये था पूरा चॉकलेट सिस्ट के बारे में और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा कि बॉडी के अंदर भी कभी कभी चॉकलेट बन जाती है, बट वो दिखने वाली चॉकलेट बहुत अच्छी चॉकलेट नहीं है। आपसे और हम भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि किसी के शरीर में इस तरीके की चॉकलेट ना बने, और अगर बन जाती है बाई चांस तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए और डॉक्टर की सलाह को फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।